ज्यादा पहले की बात नहीं, 22 बरस पहले मच्छर झील का शुमार मीठे पानी के बड़े जखायर में होता था। क्या था जो यहाँ नहीं था? झील में मौजूद 60 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम की मछलियाँ, दर्जनों अकसाम की कीमती घास, सबसे बढ़कर मच्छर झील सुनहरी वक्त गुजर गया। नाकिस हिकमत अमली, बद इंतजामी और करप्शन उरूज पर पहुंची। MNV ड्रेन और RBOD नालों से बहता जहरीला पानी झील में फेंका जाने लगा। झील में जहर घुल गया। उससे वाबस्ता माहीगीरी, ज़राइत, जंगली हयात की सनत से जुड़े 5 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हुए। मछलियाँ खत्म हो, पानी खत्म हो गया तो आबादी खत्म हो गई। आबादी होती है पानी पे। खाली मच्छरों को पानी नहीं चाहिए, वो भी गिज़ा है, मगर ज़रात का मुल्क है। जिसमें ज़रात नहीं होगी, अभी हमारे रबी का फसल पानी नहीं है। हर हुकूमत ने मच्छर झील की काया पलटने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी 2 अदवार में यही तसल्लियां देती रही, लेकिन मच्छर झील के जहरीले पानी को फिर से शफाफ और सेहत बख्श न बनाया जा सका। माहीगीर मच्छर झील से जुड़ी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इस झील के पानी से रबी और खरीफ की कई कई फसलें तैयार होती थी। कुदरत का ये शाहकार बदतरीन माहौलियाती तबाही का शिकार है, जिसकी वजह से 400 वीरानी और बर्बादी के डेरे नजर आते हैं। राशिद शेख के साथ कविशंकर, डॉन न्यूज़, कराची।